वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो गाय। तो अभी शाम हो रही है, मौसम बड़ा जबरदस्त हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना यही बेस्ट टाइम है अपनी बाइक के दो तीन काम है वो करवाने हैं। तो पहला काम तो ये था कि जो बाइक के अंदर जो वायरिंग हो रही है ना, जो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगी हुई है, जो एक्स्ट्रा हॉर्न वगैरह लगे हुए हैं, तो वो सारी जो वायरिंग है वो सारी मैंने छुपानी है। वो अभी जाना है इलेक्ट्रिशियन के पास, उससे सारी चीजें छुपवानी है मैंने, क्योंकि वो बहुत बुरी लग रही है सारी वायरिंग बाहर से नजर आ रही है। सेकंड काम है वो है कि एक्सटर्नल लाइट्स लगवानी है मैंने। अब जाकर देखता हूँ वो कौन सी कंपनी की मिलती है, किस क्वालिटी की मिलती है, किस प्राइस में मिलती है, और जो मैं फिर बाद में फर्दर उसको मैं ट्रिप्स वगैरह और टूर वगैरह के लिए यूज कर सकूंगा मैं। तो बस दो काम है करवाने वाले आज के, तो आप साथ चले मेरे, आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। ये सारी वो वायरिंग है जो हटवानी है, और ये जो पाइप आ रहा है ना, इस पाइप के अंदर ये सारी वायरिंग अंदर जाएगी, ताकि जितना भी सारा यहाँ कबाड़ा बना हुआ है ना वायरिंग का, ये सारी यहाँ से छुप जाए। तो बैक टू मेन रोड। अभी का सीन ये है कि अभी मैं हुसैनागंज ही नहीं जा रहा बाइक के काम करवाने के लिए, क्योंकि हुसैनागंज में सीन ये होता है कि वहां पर पूरी मार्केट है इस चीज की, तो वहाँ पर मैकेनिक्स के पास जितने भी होते हैं शॉप्स वाले, उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि वो फौरन से बस काम पेलने के चक्करों में होते हैं कि बस घाक को निपटाओ ताकि दूसरा घाक पकड़ सकें। तो सुकून से वाला, मुतमईन वाला, तसल्ली वाला काम वो नहीं करते। तो बस इसी वजह से यहाँ पर एक मेन अड्डे के ऊपर एक चौक एक शॉप है, तो कल मैं वहाँ पर गया था छोटे मोटे काम करवाने के लिए, तो अभी भी मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। और ये है कि वहाँ यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि काम तसल्ली से हो जाता है, इतना रश नहीं होता, सुकून से आपका काम निपट जाता है। वैसे भी कल जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे आज ही बुलवाया था। और बाकी फर्दर आप ये देख रहे होंगे मैंने एक शॉपर लटकाया हुआ अपने पास। शॉपर का सीन ये है कि इसके अंदर है पेट्रोल की बोतल, पिछले लास्ट 3 to 4 days से मैं अपने साथ लिए घूम रहा इसको, कि जैसे ही बाइक की टैंकी बिल्कुल ख़त्म होगी, खाली होगी, तो मैं इसको एज अ बैकअप यूज़ कर लूँगा अगर आसपास कोई पेट्रोल पंप ना मिला मुझे। तो ये मैं सिर्फ कर इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे अपनी बाइक की एवरेज पता लग सके। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 588 अराउंड 590 किलोमीटर 590 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अभी तक। टैंकी मैंने लास्ट टाइम फुल करवाई थी, ये शहर के अंदर मैं चलाता आ रहा हूँ, इसमें कुछ छोटे मोटे ट्रिप भी मैंने मारे हैं वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो देखते हैं लास्ट कब तक जाती है, अराउंड तकरीबन अगर मुझे लगता है 600 क्रॉस कर लेगी, 600 क्रॉस करती है तकरीबन हमें 46-47 की हमें एवरेज मिल जाएगी इन सिटी भी। तो अगर हमें इन सिटी 46-47 की एवरेज मिलती है तो नॉट सो बैड, काफ़ी अच्छी एवरेज है। तो सबर कर ले यार, तू तो सबर कर ले थोड़ा सा। तो क्या बोले यार, इन्हें अब कुछ नहीं कह सकते। तो ये मेन मार्केट है जहाँ पर आपको गाड़ियों के, ट्रक वगैरह के मोस्ट प्रोबेबली आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो अभी मुझे जाना है यहाँ से लेफ्ट साइड के ऊपर, ये निशानी है अलकमर ऑटो, उससे अगर कोई आना चाहे यहाँ पर तो वो आ सकता है ईज़िली। ओके, हम आ चुके हैं, देखते हैं वो बंदा हमें मिलता है या नहीं मिलता। वो भाई नहीं कल वाले जो यहाँ पर थे, कल भाई थे ना अब जो स्टेशन में काम करवाया था जिन्होंने, मैंने मैंने जन आज छुट्टी पर हैं। ये पहले हम लाइट्स ले लेते हैं यहाँ से, क्लिप वगैरह हर चीज़ है अंदर, नट बोल्ट वगैरह सब। तो अभी सीन ये हो गया है कि मैंने वॉलेट में देखा कैश मेरे पास पूरा था नहीं, तो मैंने कहा भाई को मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देता हूँ पैसे आपको जो लाइट्स लगानी है। तो अभी से एरिया के अंदर सिग्नल ही नहीं आ रहे, तो अभी मुझे ढूंढनी है ATM
पहले एटीएम चलते हैं, वहां से कैश निकलवाते हैं, देन फिर लाइट्स वगैरह की पेमेंट करके लाइट्स लगवाते हैं। तो ये ना ये देखें, ये निशान पड़ता हुआ जा रहा है, बिल्कुल ये निशान उसने मारा है। क्या बोले, ऐसा कोई हल भी नहीं है, इसको इसके ऊपर रैपिंग करवानी पड़ेगी मुझे पूरी, वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह। तो कैश निकलवा लिए, तो ये है मिनी ड्राइविंग लाइट के नाम से, और ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है, करंट 1.3 एम्पेयर, वोल्टेज DC, ये आपको स्क्रीन पॉप से भी पढ़ सकते हैं इसको। वाइट और येलो दोनों की ऑप्शन है इसके अंदर। अभी इसको फिट करवाते हैं फिर देखते हैं। तकरीबन 2 घंटे, 2 घंटे तो नहीं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है, और लाइट्स हमारी लग गई हैं, आपको सामने नज़र आ रही होंगी 2 लाइट। अब ये है कि इसका मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, बताता हूँ कि मैंने कहाँ से ली, कितने के लिए। ये मैंने ली है जो मेन अड्डा है विहाड़ी चौक, वहाँ पर कुछ शॉप्स हैं जहाँ पर ट्रक वगैरह की लाइट्स वगैरह मिलती हैं, बड़े बड़ी जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनकी। तो ये मैंने वहाँ पर 2-3 शॉप्स हैं तो बाइक्स की, तो ये मैंने वहाँ से परचेज की है। इसकी जो प्राइस थी तकरीबन वो मुझे मिली है 2,000 रुपये। तो अभी मैं आपको उसको जलाकर दिखाता हूँ कि कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है। अभी का सीन ये है कि इस टाइम आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा होगा। अभी मैं अपनी जो पार्किंग लाइट है उसको ऑन करता हूँ। ये थी इसकी पार्किंग लाइट, और अभी इसकी मेन लाइट जो है हेडलाइट जो होती है, मैं उसको ऑन करके दिखाता हूँ उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। ये इसका मेन हाइट जो हेडलाइट है उसकी जो ब्राइटनेस है ये इसमें आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी मैं ये करूँ, दोनों ऑफ करता हूँ, पार्किंग लाइट भी और दूसरी लाइट भी, आपको जो मैंने न्यू लाइट्स लगाई है मैं आपको इसको ऑन करके इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। मैं ये है इसका हाई मूड और ये इसका लो मूड है, और सच बताऊँ तो उसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे। तो उम्मीद है कि आपने इसका जो रिज़ल्ट है वो देख लिया होगा। अभी मैं इसी को ऑन करके चला कर दिखाता हूँ आपको, मैं कैसा रिज़ल्ट आ रहा है मुझे बताइएगा। ये इस टाइम इसका ये है लो मूड, मतलब येलो लाइट है, और ये इसकी है, इसका है हाई मूड, और हाई मूड तो माई गॉड, चेक करें कितनी दूर तक इसकी रोशनी जा रही है, और अच्छा खासा ब्राइट है यार ये अच्छी खासी ब्राइट रोशनी है इसकी। वंस अगेन ये इसका है येलो मूड, मतलब डिम मूड, और ये इसका हाई मूड, और ये आ गई हमारी मेन हाईलाइट भी, मेन हेडलाइट है हमारी वो भी ऑन हो गई है। आप बताएं आपको कैसा रिजल्ट नजर आ रहा है इसके साथ। मुझे तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पर ही रैप अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और बस इतना कर दो बहुत है। अल्लाह हाफिज़।